राम राम मित्रों, अभी रात के 3:30 बजे हैं। हमें जाना था शादी में रामगंज मंडी से इंदौर, तो ट्रेन था 4:30 बजे। तो ये जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इसने भी रेडी हो गए, हम सब रेडी हो गए और ये पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पहुंच के हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन की। बताया जाता है इंदौर बोलो कोई बोलो इधर मौसी बैठी हुई है। मौसी है, दो दो मौसी है, एक मौसी है, ये मौसी का लड़का है और ये थोड़ा कैमरे के सामने आके शर्मा जाता है। ये मौसी, इसकी मम्मी है, ये भी मौसी है। तो हम सब मिलके अभी जा रहे हैं ट्रेन के अंदर बैठेंगे, ट्रेन आने वाला है। तो तब तक हम थोड़ा टहल रहे थे, इधर उधर चल रहे थे। जब ट्रेन आएंगे हम ट्रेन के अंदर बैठेंगे और साथ में चलेंगे। मित्रों, अब गाड़ी आ चुका था तो गाड़ी दरवाज़ा खटखटा के हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद एक सिस्टर थी, उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था तो मेरे सीट पे सो गई थी। मैंने उसे जगाया और बोला मेरा सीट है, तो फिर उठ के वो सामने का सीट खाली था, उस सीट पे चली गई और सब सो रहे थे तो मैं इधर सो गया। और मिलते हैं सुबह फिर। सुबह होते ही दोस्तों भाई बहन आपस में लड़ रहे थे और मुझे एक नारंगी खाने को दिया। मैंने इसे छीला, छीलने के बाद इसका कंडीशन इतना ख़राब था, पत्थर जैसे बन चुका था, तो मैंने इसे फेंक दिया। फेंकने के बाद बैठ के जो सिस्टर थी उसके पास में बैठा था और इधर मौसी है, मौसी के साथ बैठ के बातें किए, कब पे लड़ाए। और जो भाई था इधर मोबाइल देख रहा था। इतने में हमारा रेलवे स्टेशन पर पहुँच के हम हमारा स्टेशन आ गया। तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद हम उतर गए। उतरने के बाद हम सब मिलके बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें वहां से बस पकड़ के घर जाना था। और फिर हम घर चले आए। घर आने के बाद हमने रूम देखा, एक्चुअल में इधर घर में नहीं, हमें होटल में रुकने के लिए मिला। शादी का जो पूरा सेट था, मतलब जहाँ शादी होने वाला है उस जगह पर होटल बुक करवा लिए थे, तो हम वहीं पर रुक गए। ये हमारे जीजा जी हैं, हम इनके यहाँ पर ही शादी में आए हैं। इन्होंने हमें कमरा दिखाया, हम उस कमरे में गए। अब हम घूमने के लिए निकल पड़े। अब ये जो बहन थी, इसे बोलना कचौरी खाना है, समोसा खाना है, तो हम कचौरी समोसे की दुकान पे गए। और छोटी जो बहन थी उसे सादा समोसा लेना था और उससे जो बड़ी थी उसे थोड़ा चटनी और दही के साथ। अब मैंने चटनी दही दोनों के साथ लिया। तब बैठ के हमने समोसे खाए, समोसा बहुत ही अच्छा था। समोसे खाने के बाद हमने एक एक कचौरी और मंगाया और कचौरी खाने के बाद हम जनरल स्टोर की तरफ चल दिए क्योंकि हमें कुछ क्रीम से लेना था, तो हम जनरल स्टोर की तरफ जाने लगे। जनरल स्टोर से हमने अपना क्रीम और लिप बाम लिया और फिर घर के तरफ निकल पड़े। दोस्तों अब हम आ गए हमारे होटल के तरफ। होटल में आने के बाद देखे जीजा जी ने कचौरी और समोसे सबके लिए मंगाए थे, तो सब मिल बैठ के कचौरी और समोसे खाने लगे। सब बैठ के एकदम, मतलब पूरा मजे ले रहे थे कचौरी और समोसे के। इधर जो छोटा भाई था वो समोसे मुंह के अंदर डाल के आवाज़ें निकालने लगा। और फिर मैंने भी एक समोसा लिया और सबके साथ मिलके एक समोसा खाया। समोसा खाने के बाद हमें भोजन करना था दोपहर का, तो हम भोजन के तरफ चल दिए। इधर जो भाई था सब मिलके वो हाय हाय कर रहा था। दोस्तों अब होटल से हमें जाना था घर के तरफ क्योंकि शादी कल है, एक दिन पहले ही हम आ चुके थे, हमें भोजन के लिए जाना था। तो घर आके हम सब ने हॉल रूम में बैठ के एक साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद सब फिर अपने अपने होटल में आ गए, हमारे रूम में आ गए। Yeah.
दोस्तों मजाक मस्ती के बाद शाम को हम आ गए थोड़ा मार्केट के तरफ, क्योंकि हमें फास्ट फूड ट्राई करना था इंदौर का। तो इधर आके हमने फास्ट फूड लिए। कैसा लगा? कैसे बना? कैमरामैन फोकस करो। ठीक है, कैसा है? रोए मेरे पापा। मित्रों बराती आ चुका है, इसलिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कल शादी है और बहुत दूर से आ रहे हैं बराती, इसीलिए एक दिन पहले आके होटल में रुकेंगे और कल जब शादी होंगे तो सज धज के फिर से आएंगे। दोस्तों इधर बरातियों का स्वागत किया जा रहा है, उन्हें पानी जल पिलाया जा रहा है, क्योंकि दूर से आए हैं तो उनका स्वागत करना अनिवार्य है। मिलते हैं कल शादी में। राधे राधे।